नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहां पर मनी के प्रोस्पेक्ट के विषय में और बिजनेस के प्रोस्पेक्ट के बारे में सबसे पहले जानकारी रहेगी। देन आफ्टर ओवरऑल पाम का एनालिसिस रहने वाला है। तो सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे कि आपकी जो भाग्य रेखा निकल रही है वो आपके चंद्र के क्षेत्र से निकल रही है। एक यहां पर थोड़ा सा जो है धुंधलापन आया है, देन आफ्टर वापिस से इसने रफ्तार पकड़ी है और यहाँ बारीकी से देखें तो ओवरलैपिंग के साथ फिर ये आगे की ओर बढ़ते हुए सीधे शनि और सूर्य पर्वत के बीच में जा रहा है, जो कि एक प्रकार से अच्छा भाग्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड रहा है अप्रोक्सीमेटली 24 से लेकर के 28 का जो ड्यूरेशन रहा है, थोड़ा सा टफ मनी को लेकर के रहा होगा। देन आफ्टर यहाँ पर ये जो ब्रेक आपको देखने को मिल रहा है, ये जो उम्र है, ये बेसिकली 42 से लेकर के यहाँ पर 44 के बीच में है, कि इस टाइम में कुछ ना कुछ प्रोफेशन या करियर से रिलेटेड आपके या धनागमन से रिलेटेड चेंजेस रहेगा। और ये रेखा सीधे यहाँ पर आपके सूर्य के क्षेत्र के ओर झुक गई है, जिसके कारण एक प्रकार से भाग्य उन्नति के योगों को ये निर्माण करता है। जब सूर्य और शनि के बीच में इस प्रकार से वी सिंबल क्रिएट होता है तो नेम फेम रिस्पेक्ट भी अच्छा मिलता है और सारी इच्छा मनोकामना भी पूरी होती है। यानी धन के लिए स्टेटस आपका अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि शनि पर भी सीधी खड़ी रेखा है जो धन के मामले में व्यक्ति को कभी भी परेशान होने नहीं देती है। यानी हमेशा इनफ अमाउंट में मनी आपके पास रहेगा। और जहां तक रही बिजनेस की बात, तो देखिए व्यापार का जो क्षेत्र है आपका, बुध का क्षेत्र डेवलप अच्छा है, मरकरी माउंट भी यहां पर अच्छा देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ये अच्छी बोलचाल की कला को, अच्छे मार्केटिंग स्किल को और अच्छे बिजनेस लक को भी इंडिकेट करता है। साथ ही साथ जो मरकरी माउंट है उसके साथ साथ जो मरकरी लाइन है ये भी डेवलप्ड आपके पाम में होता दिख रहा है, तो आगे चल करके बिजनेस में और ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि माइंड लाइन के ऊपर से भी एक आपकी लाइन निकलते हुए बुध के क्षेत्र तक जा रही है, जिसके कारण बिजनेस में दिमाग फिर अच्छा चलने लगता है। बाकी ओवरऑल आपका पाम यहाँ पर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर भी 44-45 का एज देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर भी सेम 45 प्लस एज के बाद से लाइफ लाइन में बहुत अच्छा सुधार हो रहा है, तो उसके बाद से जो है जीवन में फिर आपके प्रोग्रेस 44-45 के एज से बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर लेफ्ट पाम पे भी देखें, बेसिकली आपका लेफ्ट पाम एनालिसिस नहीं इसमें ज़्यादा होने वाला है। रीज़न इसका यही है कि राइट पाम आपका एक्टिव है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मनी के प्रोस्पेक्ट के विषय में आपको बताने के लिए। यहाँ पर भी आप देखें तो यहाँ पर 44-45 के एज से वापस से रेखा निकलते हुए सीधे यहाँ पर गुरु की तरफ झुक गई है। जब गुरु की तरफ भाग्य रेखा झुकती है तो आप जैसे लोग अपने क्षेत्र पर बहुत ऊंचे पद तक जाने वाले रहते हैं और सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती, मतलब इतना बिजी शेड्यूल फिर हो जाने वाला रहता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका मरकरी लाइन देखिए कितना अच्छा डेवलप होकर के चल रहा है, और मल्टीपल्स लाइन चलती है तो मल्टी सोर्स ऑफ बिजनेस भी डेवलप्ड होने लगता है, तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के प्रेडिक्शन के ऊपर। तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में थोड़ी शॉर्ट है, ओवरऑल देखें तो लिटिल फिंगर डेवलप अच्छा है, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं थोड़ी जल्दबाजी और हड़बड़ी आपके अंदर देखने को मिलेगा। जैसे ही आपके माइंड में कोई भी थिंकिंग आता है उसको बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करना ये आपके नेचर में रहता है, यानी पहले एक्शन ले लेते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं थिंकिंग आप करते हैं। इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा ऊर्जा आपके अंदर अच्छी रहती है, डायरेक्ट एक्शन करते हैं देन आफ्टर थिंकिंग आप करते हैं। बाकी ओवरऑल देखें तो फिंगर के बीच में थोड़े गैप भी मेंटेन हो रहे हैं जो अधिक खर्चीलेपन को बताते हैं, तो खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण यहाँ पर आपका कम देखने को मिल रहा है। और लिटिल फिंगर की लेंथ तक जो है तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुँच रही है, जो कि एक प्रकार के गुड पंचुअल नेचर को, गुड मैनेजरियल स्किल को, गुड कम्युनिकेशन और मार्केटिंग स्किल को बताता है। ओवरऑल आप अपने अंडर में जो भी काम लेंगे उसको परफेक्टली डन करके ही छोड़ने वाले रहेंगे, और देखा जाए तो किसी भी वर्क का रिप्रेजेंटेशन आप जैसे लोग अच्छा करते हुए देखने को मिलते हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ आपके पाम में ज़्यादा है, जो कि रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ हिम्मत ही आपका स्वभाव रहने वाला है, और इसी स्वभाव के कारण लाइफ में बड़े से बड़ा रिस्क आप लेंगे और उस रिस्क के बदौलत भी ग्रोथ और सडन गेन वेल्थ प्रोग्रेस भी देखने को मिलेगा। हालांकि लिटिल फिंगर के अलावा यहाँ देखें तो आपकी तर्जनी की जो उंगली है, फर्स्ट जो उंगली है, ये यहाँ पर शॉर्ट है, तो इस कारण से ट्रबल ये रहता है कि फैमिली के सुखों में थोड़ी कमी होती है, या फिर फैमिली से थोड़ा डिस्टेंस में रहना पड़ता है, या फैमिली को लेकर के सेक्रीफाइसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगर ऐसा कुछ भी है तो इन्फॉर्म ज़रूर करें। बाकी यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट फिंगर है उसका झुकाव सैटर्न के और भी है, जो कि धार्मिक रहने के योगों को व्यक्त करता है।
तो धर्म कर्म के प्रति आपका रुझान ध्यान अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है जो आपके फ्रेंडली नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण बड़ी ही सरलता व आसानी से आप हर परिस्थिति माहौल में ढल जाने वाले रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी आपके संबंध तकरीबन मधुर रहने वाले हैं। तो ये फिंगर के ऊपर जो है पॉजिटिव साइन होता है, जिसके कारण एक बार किसी से रिलेशन आपका बिल्ड हुआ वो लंबे समय तक टिकने वाला भी रहेगा। जहाँ तक बात करें थंब की, तो थंब यहाँ पर शॉर्ट है जो बताता है कि आप डिसीजंस ज़्यादा लेते हैं और उन डिसीजन के अंदर भी चेंजेस को बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। बाकी फर्स्ट फेलेंज की लेंथ अच्छी है तो इस कारण से विल पावर आपका स्ट्रांग रहने वाला है और फर्स्ट फेलेंज पर भी आड़ी रेखा यहाँ पर एक प्रकार से धनवान रहने का सूचक होता है। तो धन से रिलेटेड कोई भी इशू ट्रबल यहाँ पर नहीं है। और जहाँ तक देखिए छोटा सा यव का साइन भी अवेलेबल है जो गुड ग्रेसिपिंग स्किल यानी जल्दी सीखने व समझने की क्षमता को बताता है। कोई भी चीज़ जल्दी आप जो है सीख सकते हैं, साथ ही साथ सिक्स सेंस भी आपका डेवलप हो सकता है अगर आप मेडिटेशन और पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान दें तो। अदरवाइज थंब आपका सशक्त है तो ये जिद्दीपन को व्यक्त करता है और अपने जिद के आगे या अड़िकपन के आगे आप किसी के नहीं सुनते हैं, यानी जो ठान लिया फिर वो करके ही दिखाना चाहे कुछ भी हो जाए। इसके अलावा पाम के साइज़ के विषय में आपके डायरेक्ट आएँ तो पाम का साइज़ यहाँ पर स्क्वायरिश शेप में डेवलप्ड अच्छा है और नीचे का एरिया ज़्यादा डेवलप है, तो इंडिपेंडेंट वर्क करके ही लाइफ में आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाला है। अदरवाइज़ आप किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे या ज़्यादा प्रोग्रेस आपको किसी के अंडर में नहीं है। बाकी अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। मन की थोड़ी ज़्यादा सुनेंगे, मन की ज़्यादा आप करने वाले रहेंगे। बाकी स्क्वायरिश हैंड जो हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है तो खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना ये आपके नेचर में है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु पर यहाँ पर अपेक्स का साइन बहुत क्लियरली बन रहा है। ये अपेक्स का साइन बहुत पॉजिटिव होता है जब ये माउंट के बीचों बीच बनता है, तो भले ही फिंगर शॉर्ट हो या वो माउंट दबा हुआ हो या नेगेटिव साइन हो, लेकिन उस ग्रह से रिलेटेड जो असर है उसका जो उस ग्रह के प्रभाव हैं उसका असर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो गुरु के ऊपर ये बन रहा है तो गुरु क्या करता है, गुरु ज्ञान का कारक है, तो इस कारण से आप हमेशा कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित ही करते रहेंगे। धर्म का कारक है तो धार्मिक भी आप बहुत रहेंगे और आगे चल करके जैसे कुछ सोशल वर्क हुआ या धर्म के लिए कुछ कार्य आप करेंगे जिसके कारण इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान आपको अच्छा मिलेगा। तीसरा विवाह के कारण है, बच्चों का भी ये जो है जिम्मा लिए बैठा है गुरु, तो इस कारण से बच्चे भी आपके संस्कारी निकलेंगे और उनका उनसे भी आपको सुख समृद्धि अच्छा रहने वाला है। यहाँ की भी आड़ी रेखा धर्म कर्म के प्रति रुझान ध्यान को ही व्यक्त करता है और एक प्रोग्रेस लाइन भी है जिसके कारण ग्रोथ लाइफ में अच्छी मिलेगी। सैटर्न माउंट डेवलप्ड अच्छा है, शनि की रेखा भी एकदम स्पष्ट है, दूषित नहीं है, तो ज़्यादा चिंतित अपने जीवन में आप नहीं रहने वाले हैं। मक्खन जीवन तो बेसिकली आपकी नहीं है, लेकिन तब भी हर परिस्थिति में आप अपने आप को खुश और सारी इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति भी कर पाएंगे। तो ये एक प्रकार के सेटिस्फेक्शन को लेवल के इंडिकेट करता है कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना सेटिस्फाइड रहेगा। तो शनि एकदम आपका प्योर है तो शनि का प्रभाव भी ज़्यादा रहेगा, तो आप न्यायप्रिय भी जो है अपने जीवन में न्यायप्रिय नेचर अपना रखेंगे, न्याय करना ज़्यादा पसंद करेंगे, प्लस संतुष्टमय जीवन यहाँ पर आपका रहने वाला है। इसके अलावा सूर्य पर एक नेगेटिव साइन है, ये जो क्रॉस की साइन डेवलप हो रही है, हालांकि ये क्रॉस ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है आपके हाथ में, ये बहुत बेस्ट यहाँ योग हो गया है। अगर ये क्रॉस क्लियर कट हो जाता तो फिर ज़्यादा ट्रबल होता, शायद आपके कर्म कहीं ना कहीं अच्छे हैं तो यहाँ पर ये एक प्रकार से वी सिंबल बन गया है, अदरवाइज जो क्रॉस की जो लाइनें हैं वो धुंधली हो गई हैं। अगर ये क्रॉस होता तो अपने ही लोगों से धोखा मिलता, चीट किया जाता या आपका मिसयूज भी किया जा सकता था और एक प्रकार से अच्छा खासा लॉस आपको आपके जीवन में देखने को मिलता, कोई भी काम करते तो क्रेडिट ना ही मिलता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है तो डरने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है लाइफ में तो इन्फॉर्म ज़रूर करें मुझे, क्योंकि जो पाम पिक है उसमें तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि क्रॉस नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी क्रॉस अवेलेबल होगा तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आपको कर सकती हैं, देखने को मिल सकती है। बाकी वी सिंबल जैसी आकृति बन रही है तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज रखती है, तो इसमें ये बिल्कुल भी ना सोच ले कि ये फिश सिंबल है, लग जरूर सकता है कि हाँ ये फिश सिंबल बन रहा है, लेकिन नहीं ये फिश नहीं है। और ओवरऑल देखा जाए तो जो सूर्य माउंट है डेवलप्ड नॉर्मल है और यहाँ पर सूर्य की कुछ रेखाएं भी हैं और भाग्य रेखा भी यहाँ पर पहुँची है, तो आपको नाम इज्जत शोहरत समाज में अच्छा मिलेगा। यश के योग भी कुल मिलाकर के सूर्य के क्षेत्र पर ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड यहाँ पर आप दिख रहे हैं। बाकी मरकरी माउंट डेवलप अच्छा है और मरकरी माउंट के बीच में भी एपेक्स अवेलेबल है, तो बोलचाल की कला आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी, अपने बात से किसी को भी प्रेरित कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं,
आकर्षित भी कर सकते हैं और अपनी बात किसी से मनवा भी सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर मल्टीपल लाइन हो जाती है तो ये अट्रैक्टिव नेचर को, और चाहे वो आपका एक प्रकार से बातचीत करने का टोन हो या ढंग हो या शब्दों का सिलेक्शन हो, कुछ ना कुछ लोगों को अच्छा अट्रैक्ट कर सकता है और पॉजिटिव रिएक्शन आपको बिजनेस के थ्रू देखने को मिल सकता है आपकी बोली के कारण। और हैदर रेखा के अंत में भी एक प्रकार से ऊपर की ओर रेखाएँ उठी हुई हैं, तो इस कारण से मैरिड लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा आप कॉन्शियस यहाँ पर रहने वाले रहेंगे। और यहाँ देखा जाए आपकी हृदय रेखा की बात की जाए तो हृदय रेखा इस प्रकार से सीधे निकलते हुए गुरु से कनेक्टेड है, जो कि इमोशनल नेचर को बताता है। तो कहीं ना कहीं आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं, इसीलिए आपका दिल बहुत ज़्यादा साफ है। यही रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा ईमानदार, ऑनेस्ट, लॉयल नेचर के रहेंगे, किसी के साथ धोखा चाह करके भी नहीं कर पाएंगे, एक रुपये भी किसी का नहीं रखेंगे, आगे से खुद उल्टा दे करके आएंगे। इसके बाद यहाँ पर देख पाएंगे कि आपकी एक रेखा इस प्रकार से नीचे की ओर भी आ रही है, तो ये विष्णु सिंबल का निर्माण करती है, जिसके कारण आपके अंदर समझाने की कला बहुत अच्छी होगी। आप किसी को कुछ ना कुछ ज्ञान बहुत अच्छा दे सकते हैं, कुछ कोई भी बात बहुत अच्छे से समझा व सिखा सकते हैं। बाकी आपके हृदय रेखा में भी देखें बारीकी से, तो यहाँ पर नीचे की ओर रेखाएँ खूब आ रही हैं, जो बताती है कि कहीं ना कहीं आपका ये इमोशनल सेटबैक को ये इंडिकेट कर रहा है। एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं आप थोड़ा ज़्यादा रख लेते हैं, तो इस कारण से थोड़ा कहीं ना कहीं रिलेशन में उतार चढ़ाव या मूड स्विंग को भी इंडिकेट करता है। बाकी सीधे यहाँ पर आए आपके माइंड लाइन पर, तो माइंड लाइन एकदम इंडिपेंडेंट चल रहा है स्टार्टिंग से ही, तो बचपन से ही हर प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है आपको, या इंडिपेंडेंसी थॉट में या कोई काम करने में मिला हुआ है, जिसके कारण ये थोड़ा जिद्दीपन को भी बताता है। साथ ही साथ इंडिपेंडेंट वर्क करना यानी अपने हिसाब से कामकाज करना आपको सबसे ज़्यादा पसंद रहेगा। माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट भी है आपका, तो स्पष्ट और सीधे रूप से सोचना विचारना ये आपके नेचर में रहेगा। प्रैक्टिकल नेचर का भी निर्माण इस कारण से होने लगता है, लॉजिकल पर्सनैलिटी में भी डेवलपमेंट होने लगता है। ग्रेसिपिंग स्किल आपकी अच्छी रहने वाली है, तो पुरानी से पुरानी बातों को बहुत अच्छे से याद आप रख पाएंगे, कोई भी चीज़ जल्दी सीख व समझ भी पाएंगे, तो ये एक प्रकार से गुड मेमोरी को भी इंडिकेट करता है। तो माइंड लाइन स्ट्रांग है, क्योंकि आपका बाहरी मंगल तक माइंड लाइन जा रहा है, जिसके कारण लाइफ में जितना भी टफ या ख़राब सिचुएशन आ जाए, आप कहीं भी डरने वाले नहीं रहेंगे, बल्कि अपने बुद्धिमत्ता से बहुत अच्छे से उसके साथ डील करेंगे, शांत रह करके काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो बाहरी मंगल पर आड़ी रेखा, ये थोड़ा सही नहीं होता है, क्योंकि ये कोर्ट कचहरी के मामलों तक भी लेकर के जा सकता है। बाकी बात करें आपके लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन का फ्लो इस प्रकार से चल रहा है और बीच में एकदम डिस्टर्ब हो गया है। अप्रोक्सीमेटली 24-25 के एज से लेकर के 38-39 का जो टाइम पीरियड दिख रहा है, वो थोड़ा सा आपका यहाँ पर टफ दिख रहा है, और उसी दौरान में एक राहु रेखा ने भी यहाँ पर विचित्र रूप से काटा हुआ है। और ये जो राहु रेखा का प्रभाव 3 से 4 साल मिनिमम तो शो हो ही रहे हुए, और ये जो एज है अप्रोक्सीमेटली 29 से लेकर के 33 के बीच का ये ड्यूरेशन दिख रहा है, कि ये टाइम थोड़ा टफ या मनी रिलेटेड लॉस या ट्रबल में आपका रहा है। तो आने वाले टाइम में लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा सुधर रही है, केतु के क्षेत्र पर विभाजित हुई भी है जीवन रेखा, जिसके कारण छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के बड़ी बड़ी यात्राएं भी अब आपके जीवन में होने वाली रहेगी, जो कि शुभ फलदायक रहने वाली है। और शुक्र की तरफ भी अंततः आपकी जीवन रेखा झुक गई है, जिसके कारण फैमिली को लेकर के आप अपने लाइफ में फोकस्ड या कॉन्शियस ज़्यादा रहने वाले हैं। फैमिली को लेकर के सेक्रीफाइसेस भी रहेगा, होम टाउन पे ही अपना लाइफ आप ज़्यादातर स्पेंड करने वाले रहेंगे, और उम्र भी यहाँ पर आपकी लंबी देखने को मिल रही है। सहयोगी रेखा भी साथ में चल रही है, तो जो टाइम आपका सबसे टफ रहा है, इसमें सहयोग भी दूसरों का बरकरार या कहीं ना कहीं मिलता रहा है। और यहाँ पर एक रेखा इस प्रकार से नीचे की ओर और भी आ रही है, लाइफ लाइन से ही निकली है, तो तकरीबन उम्र के 25-26 से लेकर के 28 के बीच में किसी अपने को आपने खोया होगा। और बात करें आपकी अंदरूनी मंगल की, तो अंदरूनी मंगल का क्षेत्र डेवलप ठीक है, तो शारीरिक गठन बल ऊर्जा ठीक रहेगी। और शुक्र की बात करें तो शुक्र डेवलप अच्छा है, तो हर प्रकार की लग्जरीज व सुख सुविधा का आनंद आप अपने जीवन में उठा पाएंगे। लेकिन यहाँ की जो आड़ी रेखा ये नेगेटिव होती है, क्योंकि ये अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करती है, तो जो कि ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी आता है। तो ये जो टेंशन है ये फैमिली को लेकर के या फैमिली के किसी मेंबर या हेल्थ रिलेटेड आपको रह सकता है, बाकी और कोई भी यहाँ पर इशू आपके शुक्र माउंट पर नहीं है। केतु की बात करें तो केतु का क्षेत्र ठीक है, यहाँ पर फिश सिंबल क्लियर कट नहीं विजिबल है, लेकिन ये धार्मिक रहने के योग को बताता है कि धर्म कर्म का कार्य करके मोक्ष मिलने के योग भी हाथ में आपके दिख रहे हैं। बाकी चंद्र का क्षेत्र डेवलप ठीक है और सकारात्मक मन और रवैये को बताता है, थोड़ी आड़ी रेखा बेचैनी को व्यक्त करती है, लेकिन कुल मिलाकर के चंद्र आपका डेवलप अच्छा है, और यहाँ पर
जो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है वो प्योर ओपन है, तो इस कारण से जीवन में धन तो आपके अच्छा आएगा, लेकिन उसको रोक पाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल रहने वाला है। तो खर्चे थोड़े अधिक रहेंगे लेकिन धन जीवन में अच्छा रहेगा। और बिजनेस में भी आगे चल करके अभी आने वाले टाइम में विद इन 2 ईयर आपको बहुत अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हाथ में लगने वाली रहेगी। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।